नमो तार जाते भई हर हंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को कांड जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव इनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का महान ग्रंथ है। आज से लगभग पौने 300 बल्कि लगभग दूसरे 77-78 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ की रचना आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने की। स्वयं पंडित टोडरमल जी साहब आठवां अधिकार उनकी घोषणा करता है कि उनको चारों अनियोगों का कितना गहन स्पष्ट ज्ञान रहा और प्रथमा नियोग तो 63 सलाका के पुरुषों का कथन है। चरण नियोग में सम्यक दृष्टि जीव की कैसी प्रवृत्ति होती है, वृत्ति होती है, अंतर बाहर के साधक जीव की क्या दशा होती है, साथ ही करणा नियोग और द्रव्या नियोग। हम जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने करणा नियोग की शाही से अध्यात्म को परोसा है। अनेक स्थानों पर करणा नियोग के माध्यम से भी बात को समझाया है लेकिन परोसा अध्यात्म है और सब में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कैसे हो, आत्मा सुखी कैसे हो, ये सारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक इससे भरा पड़ा हुआ है। जैसे कि आपको कहा था कि चार गतियों के दुखों का भी वर्णन किया तो ऐसे दुख मेरे को रिपीट ना होने और मैं सुखी हो जाऊं, ये दरअसल में चार गति के दुखों के वर्णन करने के पीछे आशय रहा है। आचार्य भगवानों ने भी ऐसा लिया, कहा कि जब हम चार गति के दुखों पर सोचते हैं, विचार करते हैं तो हमारा हृदय में घाव हो जाते हैं। घाव शब्द का प्रयोग किया, घाव हो जाते हैं हमारे सोचने मात्र से। इसका उल्लेख गुरुदेव श्री ने ज्ञान गोष्ठी करके जो एक पुस्तक है उसके अंदर लिया है और उसमें एक अधिकार है साधक की अंतर्वाही दशा कैसी होती है, उसके अंदर टोडरमल जी साहब ने इसका जिक्र किया। कल जो हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार से विषय प्रारंभ हुआ उसमें यह बात आगम तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की परंपरा में पंडित टोडरमल जी साहब ने ये कहा कि इस भव के सब दुखन का कारण मिथ्या भाव, माने आत्मा को मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये दुख है, ये दुख के कारण है और ये दुख स्वरूप है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये सुख स्वरूप है और सुख का कर। ये कल इसमें से एक निष्कर्ष निकला
ऐसा भी आया कि भाई जी मिथ्या क्या है और सम्य क्या है, तो कहा कि सात तत्व के सत्य श्रद्धान का नाम, सत्य श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है और सात तत्व के विपरीत श्रद्धान का, झूठे श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। बराबर ख्याल में आया? थोड़ा यहां से हमारे जो अतिथि गण हैं उनको यहाँ प्रोजेक्टर पर से डायरेक्ट मिलाप करना पड़ेगा, यहाँ पर फोकस करेंगे तो आपकी समझ में आएगा, क्योंकि विषय ग्रंथ के आधार से चलाना है तो उसकी बातें वहां मिलेंगी आपको। सबसे पहले तीन बात आई, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या। अब इसमें क्रम किस तरीके से दाड़ा, टोडरमल जी साहब ने पहले मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताएंगे, फिर मिथ्या ज्ञान का बताएंगे और फिर मिथ्या चाह, क्योंकि कथन तीनों का एक साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन है तीनों एक साथ। निरूपण एक साथ नहीं कर सकते, निरूपण में क्रम आता है, तो पहले मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया। बहुत ही प्रसिद्ध तत्वार सूत्र और उसका जो सूत्र है वह यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग और दूसरा क्या है, तत्वार श्रद्धानं सह। माने उमा स्वामी ने भी पहले तीनों डाल करके कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, वहां तो एक वचन में बात है, लेकिन जब निरूपण किया तो पहले ये लिया कि तत्वात श्रद्धानं सम्यक दर्शन। एक शब्द आया था कल जीवादी का सत्य श्रद्धान, थोड़ा आपको सब नोट करना पड़ेगा कहाँ आया, हम उसका रिपीटिशन में जाएंगे तो आगे उतना नहीं बढ़ पाएंगे जितना हम चाहते हैं। जीवादी बराबर है, अब यहां पर लिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, या कि जीवादी तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्व क्या है कि जीवादी ये तत्व है उनका सत्य श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बराबर है, अब पहले नोट कीजिएगा कि ये तत्व और अर्थ, इसकी व्याख्या इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, समय का हमारे पास बहुत मर्यादा है और अभाव है, जिस रीति से तीन दिन दिवसीय अपना कार्यक्रम है उसमें सात तत्व होते हैं, जीव अजीव आश्रव वंध संवर निर्जरा और मोह, ये सात तत्व हैं। जीव आदि, तो जीव और आदि में अजीव वगैरह ये छह और आगे ये सात तत्व हैं। बराबर ख्याल आया, इनका श्रद्धान, इसका श्रद्धान का अर्थ क्या, जैसे उनका स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान, जैसा उनका स्वरूप है वैसा श्रद्धान, इसका नाम है सत्य श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, इसको कहते हैं हम तत्व श्रद्धान। बराबर, टोटमली साहब ने एक बहुत अच्छा शब्द इसके अंदर डाला, अतत्व श्रद्धान सो मिथ्या दर्शन है, ऐसा डाला। इसका अर्थ क्या हुआ, तत्व श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है और अतत्व श्रद्धान सो, मेरा आपसे प्रश्न है, इस बिंग से प्रश्न है, तत्वार्थ श्रद्धान में तत्व कितने लिए, सात। बराबर है, ये बात ठीक हो गई। अब अतत्व श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान आप समझ गए, पहले प्रश्न समझ ले तो फिर उत्तर आप दे सकेंगे। तत्व श्रद्धान एक शब्द तो ये है, दूसरा शब्द क्या है, अतत्व श्रद्धान। आपने कहा तत्व सात होते हैं, मेरा आपसे इतना मात्र प्रश्न है कि अतत्व कितने होते, दो बालिका, तीन बालिका,
चार पांच छह बालिका, सात हाफ नहीं चलेगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ओ लास्ट वन, अतत्व कितने होते हैं? सात होते हैं, नाम बताओ। वो तो फिर तत्व हो गए बिटिया जी। अब मैं आपसे पूछूं कि जीवादि तत्व कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो आप क्या नाम बोलेंगे? और अब मैं आपसे पूछूं कि अतत्व कितने होते हैं, तो भी अगर आपने वही नाम बोला तो आपका उत्तर कैसा हो गया? आपकी समझ में आ गया, बात आ गया, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। हाँ, वन टू, यू आर वेरी कॉमन। हाँ शाबाश। ओ लास्ट, बोलो बेटिया। हाँ बताओ, अतत्व कितने होते हैं? कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, इस सबसे पहले इस बिटिया ने हाथ उठाया था, बताओ अतत्व कितने होते हैं? तत्व को छोड़कर जितने भी पदार्थ हैं वे सब अतत्व हैं। अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा चलो, बता दो, आप भी बता। तत्व कुछ है ही नहीं, तत्व का जो स्वरूप है वैसा नहीं माना वो अतत्व। जोरदार तालियां बजाइए। आपने तालियां तो बजा दी, लेकिन किस बात पर बजाएंगे आपको पता है? अतत्व का अर्थ क्या है? अतत्व का अर्थ क्या है? बराबर है, जो जैसा तत्व है उसको वैसा नहीं मानना, यही अतत्व। कोई नया अतत्व तो कोई पैदा होता नहीं। माने जैसे ये जीव तत्व, बराबर है, ये जीव तत्व, जीव को रखो कॉमन में। थोड़ा पढ़ने की शैली क्लास वाइज कैसे चलेगी, जीव रखा हमने कॉमन में, ऊपर टॉप पे लिख दिया, ओके। एक एरो हमने इधर खींचा, इसको क्या लिखा हमने? जीव तत्व। इधर एरो खींच के नीचे क्या लिखा हमने? तत्व। ये जीव तत्व, बराबर है, ख्याल में आया? अब अतत्व क्या होगा? जीव के बारे में अतत्व क्या? अन्य को जीव मानना, ये जीव के संबंध में कैसा हो गया? आ गया समझ में? कोई नहीं होता, कोई अतत्व जगत में है ही नहीं, सब तत्व ही तत्व है, ठीक है। पॉइंट समझ में आपको नहीं आया? जैसे जैसे उदाहरण के लिए, अभी आप सब रॉ हैंड है ना, क्या ये क्या सात तत्व होते हैं, क्या तत्व होता है, क्या श्रद्धा है, ये क्या भला आ गई, ऐसा कुछ लगता है कि नहीं? ऊपर से जा रहा है हमारे, ओके। देखो, अपने फेस पर पांच इंद्रियां हैं, फेस है ना, उसमें पांच इंद्रियां हैं। नंबर वन चक्षु इंद्रिय, नंबर दो कर्ण इंद्रिय, नंबर तीन नासिका इंद्रिय, नंबर चौथा रसना इंद्रिय, नंबर पांचवा इस पर्सन, बराबर है, पांच इंद्रियां है ना, ओके। अब चक्षु इंद्री नहीं माना जावे, बराबर है, क्या माना जावे इसको? कर्ण इंद्री माना जावे। इसमें क्या हो गया कि तेरे को कर्ण इंद्रिय का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब तेरे को तत्व श्रद्धान नहीं, ना तुझे आंख का श्रद्धान है और ना तुझे कान की खबर है कि कौन कान है, कौन आंख है, कौन नाक है, तेरे को कुछ नहीं पता। तुमको समझ में आया मनीष? ये इसका नाम है। जैसे हम कहेंगे तुम्हें पांच इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, सादी भाषा में हम क्या कहेंगे कि तुम्हें सात तत्व का ज्ञान नहीं है। यहाँ ज्ञान शब्द से लगाया आपके लिए, यहाँ बात चलती है श्रद्धान के लिए। तथापि टोडर मिल्टी साहब ने एक वाक्य बहुत जबरदस्त लिखा, कथन जानने की मुख्यता से किया गया है, लेकिन कराना हमको क्या है? श्रद्धा, बराबर है, कराना क्या है? श्रद्धा। कथन जानने की ओर से, जानेगा तो मानेगा, बराबर है, जानेगा ही नहीं तो मानेगा,
माने पहले तेरे ज्ञान में उस विषय के संबंध में सही समझ होनी चाहिए, बराबर है, तभी तेरे को सच्चा श्रद्धान हो सकता है। ओके, समझ में आपको आ गया बात? देखो मैं पढ़ता हूं, आप इसमें से देखना, आप देखना। मिथ्या दर्शन का स्वरूप, यह जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है। अनादि से इस जीव को कर्म का संबंध है, बस इतना लो। जो अपना विषय है वो अपन को इसमें से स्पर्श करना है। उसको, उसको माने जीव को दर्शन मोह के उदय से हुआ, ये निमित्त का ज्ञान कराया। थोड़ी अपन ने सुबह चर्चा करी थी ना, निमित्त का ज्ञान कराया। पॉइंट आ गया समझ में? फिर से एक बार मैं थोड़ा ख्याल कराता हूं। जैसे एक बच्चा इधर से दौड़ करके चला और उधर जाकर के गिर गया और उसके यहां पर खून निकल आया। पॉइंट समझ में आया? मैं पूछता हूं वो उस बच्चे के उधर एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, उससे ठोकर खा करके वो गिर गया, ठीक है, और उसके माथे में से क्या निकल आया? खून निकल आया। तो मैं पूछता हूं किसके कारण से खून निकला? पत्थर के कारण से, निमित्त के कारण से, निमित्त के कारण में से पत्थर में से खून निकला, बराबर है ना? अभी थोड़ा आपकी समझ में आया? पकड़ो बेटा, अच्छा आप लोग थोड़ा गहराई से पकड़ लो भाई। पत्थर से ठोकर खाया और माथे में से खून निकला, बराबर है। तो कोई पूछे इसके खून काय से निकला? तो कि पत्थर की लगने से। कि पत्थर के लगने से खून निकला, तो पत्थर के निकला के माथे में निकला, तो उपादान पर दृष्टि नहीं करता, कहां पर चला जाता है? तो साहब पत्थर से ठोकर खाई थी कि नहीं खाई थी? कि खाई थी, खाने पर भी पत्थर में से खून नहीं निकला। पॉइंट समझ में आया? काय में से निकला, ऐसे 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 पकड़ना चाहिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे समझ करके अपनी जो ज्ञान की स्टेजेस हैं उनको परिपक्व करना चाहिए। हम सीधा निमित्त पर दौड़ जाते हैं। पॉइंट समझ में आया? हम ये नहीं सोचते कि ये देख करके क्यों नहीं चला। हम कभी अपना दोष नहीं पकड़ते, ये बच्चा देख करके क्यों नहीं चला। पॉइंट आ गया समझ में? अब पापा भी करेगा तो क्या करेगा कि वो बच्चे के सामने वो पत्थर उठाएगा, दो चांटे मारेगा पत्थर के, है? मार दिया हमने, मार दिया इसके, मार दिया है, मार दिया। बच्चा भी खुश, पापा भी खुश, सारी दुनिया खुश है, मूर्खों की टोली है ऐसे ही चल रहा है, सब यूं ही चल रहा है, सब बहुत खुश हो जाता है। ऐसा नहीं, पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो किस तरीके से वाक्य है। पहला वाक्य क्या आया? अब ये बताओ इसमें टोडर मल्टी साहब को ये वाक्य लिखने की कि इस जीव को अनादि से कर्म का संबंध है, ये बात लिखने की क्या जरूरत थी? आपको तो सीधा मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहना है ना, आपने ये वाक्य क्यों लिखा? उन्होंने इसलिए लिखा कि मैं तुझे ये बता रहा हूं कि सुन, कर्म तो है बहुत प्रकार के, लेकिन मिथ्या दर्शन के होने में जीव की अवस्था में अपने अपराध से, अपने स्वरूप से अजान रहकर विपरीत श्रद्धान करने से उस काल में दर्शन मोहनीय कर्म का उदय निमित्त होता है, इसलिए उधर से कथन किया। क्यों? क्योंकि इसे निमित्त की बहुत लपक है, तो इसे समझाते भी किधर से हैं? निमित्त की ओर से, बराबर। समझाते किधर से हैं? निमित्त की ओर से। कथन किधर से किया? निमित्त से। लेकिन निमित्त को नहीं समझाना है, समझाना किसको है? मिथ्या दर्शन को। पॉइंट पकड़ में आया आपको? कौन? हेलो, हाँ, ओ लास्ट बताओ क्या बोला हमने बेटी? क्या बोला? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अच्छा, कथन किधर से किया स्वरूप भाई जी? देखो मैं पढ़ता हूं। उसको माने जीव को दर्शन मोह के उदय से हुआ। हुआ किसको हुआ?
कि जीव को हुआ, ये नहीं कह रहे हैं कि दर्शन मोहनीय कर्म को हुआ। किसको हुआ? जीव को हुआ। दर्शन मोहनीय कर्म को नहीं हुआ, लेकिन दर्शन मोहनीय कर्म का उस समय क्या था? उदय था। बस इतना हुआ। किसको? जीव को। अब तो हुआ शब्द पढ़ करके देख लो, देख लो, आप लोग तो मानते ही नहीं ना। दर्शन मोहनीय कर्म से हुआ, दर्शन मोहनीय कर्म से हुआ। क्या हुआ? देखो आगे पढ़ो। अतत्व श्रद्धान उसका नाम। अब आपको समझ में आ गया अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कैसे कहा? आ गया आपको समझ में? आया? इस तरीके से पढ़ने की पद्धति निकालनी चाहिए। हुआ किसको? जीव को हुआ, बराबर है। तो दर्शन मोह के उदय से हुआ। तो दर्शन मोहनीय कर्म, भाई साहब को तो पता ही नहीं कि मैं दर्शन मोहनीय कर्म हूं। क्यों? क्योंकि वो तो जड़ है, वो तो अचेतन है, उसको तो ज्ञान नहीं है, बलवान पना नहीं है। ये भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है। जड़ कर्म है, उन्हें चेतना नहीं है, बलवान पना नहीं है, वो जानते ही नहीं, अपने को ही नहीं जानता। जब वो अपने को ही नहीं जानता तो आत्मा को मिथ्या दर्शन कैसे करा सकता है? आता समझ में? दो द्रव्य हुए, एक जीव द्रव्य हुआ और दूसरा कर्म, कर्म का उदय। तो कौन सा द्रव्य हुआ? वो पुद्गल द्रव्य हुआ, बराबर है। कर्म की भाषा में कहेंगे तो कर्म हुआ। तो कौन सा कर्म हुआ? कि दर्शन मोहनीय कर्म हुआ, अन्य नहीं, अन्य नहीं। देखो उदय में, देखो इसमें अभी थोड़ा सूक्ष्म पड़ जाएगा। ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का और अंतराय कर्म का, बराबर है, ठीक है। यद्यपि केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्या है? उदय। और मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण का क्या है? छयोसम हो गए, बराबर ख्याल आते ना। ये सब इतना पकड़ना पड़ेगा, इतना सब जाना चाहिए यहाँ पर एक बार में ही। उसने इतना बोला और यहाँ सब आ गया, इतनी श्रुत ज्ञान की पावर होनी चाहिए। वही समझ में आया? यहाँ उदय की बात चल रही है। तो उदय में क्या लिया? औदयिक भाव। औदयिक भाव में क्या लिया? कि यहाँ मोहनीय कर्म के दो भेद, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। पॉइंट समझ में आया? दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्या दर्शन, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से नहीं। हम कहां किस भ्रमणा में रुक गए हैं, कहां अटक गए हैं? हम कसाई की मंदता करने में लग गए, लेकिन क्रम इस तरीके से है कि जब मिथ्यात्व का उपशम आदि होता है तो अविनाभावी रूप अनंतानुबंधी कसाय का उपशम आदि होता है। ऐसा नहीं होता कि हम कसाय की मंदता करें तो मिथ्यात्व की मंदता हो जाए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, झूठी बात है। मिथ्यात्व का उपशम, मिथ्यात्व का छह उपशम, मिथ्यात्व का छह, उसके अनुसार जो अनंतानुबंधी कसाय है ना, ऐसा नहीं है टोटल मेरे हिसाब से। अविनाभावी रूप मिथ्यात्व का जब छह होता है तो अविनाभावी रूप अनंतानुबंधी कसाय का भी छह होता है। तो हमें पुरुषार्थ काय का करना है? मिथ्यात्व के नाश करने का करना है। हम मिथ्यात्व का नाश करेंगे तो क्या होगा? अनंतानुबंधी कसाय का भी नाश हो जाएगा। ऐसा है, हम काय में लग गए, कसाय की मंदता करने में हम लग गए। ऐसा गड़बड़ ख्याल में आ गया। आगे देखिए क्या कहते हैं। अब देखिए, तद भाव सो तत्व, तत्वार्थ शब्द आया था ना, तत्वार्थ, तत्वार्थ शब्द है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यहां पर अतत्व श्रद्धान शब्द लिया ना। अब यहां टोटल मिल जी साफ कहेंगे तत्व किसको कहते हैं? तद्भाव। तद्भाव माने उस तत्व का जो भाव है, उसका जो भाव है तद, और तद माने उसका भाव, सो क्या है? तत्व।
जैसे आश्रव तत्व बंध तत्व, तो आश्रव तत्व और बंध तत्व में अंतर है। अगर वो एक ही प्रकार का हो तो दो तत्व नहीं हो सकते। ख्याल में आया? दो तत्व नहीं हो सकते। पॉइंट समझ में आया? हाँ, ये सब आया चौथे अधिकार में। तद तद माने क्या? उसका माने किसका? उसका जो भाव है वो उसका क्या है? तत्व है। तो किसका कि वो अर्थ, अर्थ माने वस्तु। यह वस्तु शब्द का प्रयोग किया। अभी हम वस्तु शब्द का प्रयोग यदि देखें तो जो प्रमाण का विषय है ना, द्रव्य गुण पर्याय, उसे पदार्थ भी कहते हैं, उसको वस्तु भी कहते हैं। ओके, समझ में आपको आया? और एक समय की जो पर्याय है उसको भी वस्तु कहते हैं। वस्तु शब्द कहां से निकल करके आया? कोई बताएगा वस्तु शब्द कहां से निकल करके आया? नंबर एक, नंबर दो। हाँ बोलो। शाबाश, बैठ जाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजकल वास्तु का बहुत जोर चल रहा है ना। अरे तुमने नहीं सुना? नहीं, ये सानू जानती है वास्तु का क्या होता है। गुरुदेव इसका अर्थ बहुत अच्छा सुंदर करते थे। वो कहते थे कि उसमें जो बसने वाले, उसके जो धर्म हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, भाव हैं, वो उसको वस्तु कहते हैं, क्योंकि वह उसमें बसती है। ऐसे अर्थ निकाले, गजब गजब निकाले अर्थ गुरुदेव श्री ने। वस्तु माने बसता है। क्या बसता है? इसमें मोह राग द्वेष भाव बसता है, इसलिए ये आश्रव तत्व है। ओके, समझ में आ गया? इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बसता है, इसलिए यह क्या हो गया? संवर तत्व हो गया। वो पॉइंट समझ में आया? इसमें वीतरागता की वृद्धि बसती है, तो वो क्या हो गया? निर्जरा तत्व हो गया। पॉइंट समझ में आपको आया? ख्याल में बात आती है? यहां योग में मन योग, वचन योग, काय योग बसता है, ये आश्रव के खाते में गया। उसके साथ में उसी काल में जो कसाय उसमें बसती है वो बंद के खाते में गया। बसता है उसमें, रहता है, रहता है उसके अंदर, ये कहते हैं। इसको जीव तत्व क्यों कहते हैं? हेलो, ओके ओके, ठीक है। आ गई, चली गई थी कहीं? अच्छा, किसके कारण से गई बताओ, और आई किसके कारण से? अपने से गई, अपने से रह रही थी किसके कारण से? ये यूं ही वैसे ही करता है। ख्याल आया? देखो क्या कहते हैं, वस्तु, ठीक है। संबर अधिकार आपके यहां चला छोड़ कभी? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वहां पर संबर को वस्तु कहा। न खलु एकस्य द्वितीयम् अस्ति, और उसकी हिंदी करी कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। वस्तु यही इकला तो संबर अधिकार का तो आपको ऐसा रेडी रेफरेंस के रूप में दिया है, बाकी सीधा सा वस्तु। और वस्तु में गुरुदेव श्री ने वस्तु शब्द जब कह दिया तो उन्होंने कहा कि इसका द्रव्य, इसका क्षेत्र, इसका काल और इसका भाव, ये सब उसमें बसता है। एक समय की पर्याय, थोड़ा ख्याल कराते हैं, ये थोड़ा बालिकाओं की थोड़ी मुख्यता से बात चलती है। मनीष, आप समझ में आ रहे हैं? देखो क्या मैं बताता हूं आपको। एक समय की पर्याय। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वह पर्याय किसकी? किसी की भी लो, किसी की लो पर्याय लो आप। अरे पर्याय लो ना,
चलो ज्ञान की पर्याय वो जल्दी समझ में आ जाएगा, फिर इसके बाद आश्रव की पर्याय से हम समझेंगे। जैसे एक समय पर ज्ञान की पर्याय बराबर हो गया, एक समय पर ज्ञान की पर्याय, तो उस ज्ञान की पर्याय में भाव ज्ञान भाव विद्यमान है कि नहीं, ज्ञान भाव उस पर्याय में कौन सा भाग है कोई बात नहीं, दूसरा उदाहरण लेते। देखो ये सोने की अंगूठी है, रुचिका बताना आप, ये सोने की अंगूठी है, ये सोने का कड़ा है, बराबर बराबर, इतना तो समझ में आया आपको, आ जाएगा समझ में, बराबर दिखाई देगा। कड़ा लेते हैं बड़ा वाला, सोने का कड़ा है, सोने का कड़ा बराबर है, आप सबके बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है, सोने का कड़ा है, फिर से बोलता हूं सोने का कड़ा है। अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है, आप में से कौन बताएगा? सोने का, ये सोने का कड़ा है, इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है? मनीष ये तो बराबर समझ में आएगा ना आपके, सोने का कड़ा, रुचिका देना है अरे हाँ हाँ देव देव इसमें बताओ, ये सोने का कड़ा है, इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है, क्या हुआ भाई साहब? पहले किसने बताया था? आपने। अब गुण क्या है? हैं? और भी कोई गुण है? एक ही गुण है, बोलो। सुनो शाबाश, हाँ बोलो, हाँ हो गया आपका उत्तर, हो गया, हाँ बोलो। हाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है उसके अंदर, हाँ हमारी बालिकाओं में से बताएंगे, देखो बहुत शाबाश, सिद्धांत निकल रहे हैं इसमें से, सिद्धांत निकल रहे हैं अभी है? हाँ शाबाश। मुक्ति मुक्ति तुम बता सकती हो बेटिया, बताओ बेटी, बराबर समझ में आ गया इसने क्या बोला मुक्ति ने, आपको समझ में आया? जो सोना है रुचिका वो क्या है? द्रव्य है। पीलापन भारीपन चिकनापन ये सब क्या है? इसका गुण है। और ये जो शेप है ना, शेप शेप माने क्या? आकार, आकार माने क्या? अवस्था, अवस्था माने क्या? पर्याय। ओके समझ में आ गया, इसको हम क्या कहेंगे? पर्याय। कड़ा पर्याय है, पीतादि इसके गुण है, और सोना है वो क्या है? द्रव्य। बराबर ख्याल में आ गया, बराबर ख्याल आया। अब मैं आपसे ये पूछा कि ये सोने का कड़ा क्यों है, ये कड़ा सोने का क्यों है? फिर से सुनो, प्रश्न सुनो, ये कड़ा सोने का क्यों है, ये कड़ा सोने का क्यों है? बोलो दिल्ली नरेश। द्रव्य जो मुख्यतः है ये अपनी नहीं चलती है, यहाँ जिन शासन में अपनी नहीं चलती है, जिन शासनानुसार हम चलते हैं। बोलो ये कड़ा, हाँ शाबाश बोलो, ये कड़ा सोने का क्यों है? ये स्वर्ण धातु का बना हुआ है, इसको हम शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे कि इस कड़े में सोना है। कड़ा किसको कहा था? पर्याय को। और सोना किसको कहा था?
द्रव्य को माने पर्याय में जो द्रव्य विद्यमान है वह पर्याय उसकी होती है। पकड़ा उसको रुचिका, संभाल लो आप। आया कुछ पकड़ में आया? ये कड़ा सोने का क्यों है? अभी ये वो चर्चा काय की चल रही है, तद भावा तस्य भावम तत्त्वम, ठीक है। और जो अर्थ शब्द है, अर्थ अर्थमान वस्तु, उस वस्तु का अर्थ का जो भाव है वह उस वस्तु का तत्व है। बराबर ख्याल में आया? उसको समझाने के लिए हमने इस उदाहरण का सहारा लिया कि इस भाव में, इस पर्याय में कौन सा भाव है? स्वर्ण भाव है। इस पर्याय में कौन सा भाव है? स्वर्ण भाव है। इसलिए ये पर्याय किसकी है? सोने की है। उसमें द्रव्य है, उसमें भाव विद्यमान है। पॉइंट समझ में आ गया आपको? इसे है, देखो क्या कहते हैं, देखो यहां पर तद भाव, तद तद माने उसका, तद माने उसका जो भाव है वो क्या है? तत्व है। अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, देखो शब्द क्या डाला, टोटल मिलगी साहब की शैली को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ना चाहिए, जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, ये लिया अर्थ श्रद्धान करने योग्य है। अब उस अर्थ का श्रद्धान किसके आधार से करें? उस अर्थ का श्रद्धान का बेस क्या हो, आधार क्या हो कि उसका जो भाव है उससे हम श्रद्धान करेंगे? आया तो समझ, फिर से कोई बात नहीं, फिर से समझो। कैसे श्रद्धान करें? देखो यहां, देखो यहां, देखो शब्द क्या लिखा टोडरमिल जी साहब ने, जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है। श्रद्धान करने योग्य कौन है? मां उस बोर्ड पर ऐसा समझो कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? तत्वार्थ। क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? अब तत्वार्थ का हमने संधि विच्छेद किया तो संधि विच्छेद करके क्या आएगा? तत्व प्लस अर्थ, बराबर है। अब चोटरमल जी साहब कह रहे हैं श्रद्धान करने योग्य कौन है? अर्थ। अर्थ माने वस्तु, ओके। वो अर्थ श्रद्धान करने योग्य है, उसका जो भाव, किसका? अर्थ का जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व। अर्थ का भाव, उसका नाम तत्व, बराबर है। और अर्थ तो अर्थ हुआ, पॉइंट आ गया। एक उदाहरण से समझाते हैं, ये कटोरी है और ये गिलास है और दोनों चांदी के हैं। ये कटोरी है और ये गिलास है, दोनों चांदी के, अच्छे नहीं लगते हो तो सोने के भी ले सकते हैं। क्या बोला? ये कटोरी है और ये, और दोनों सोने के हैं। अब ये कटोरी क्यों है और ये गिलास क्यों है? उसमें जो भाव है ना, भाव भाव, ये चम्मच है, ये थाली है, ये कटोरा है, ये भगोना है, ये भगोनी है, और सभी स्टील के हैं। अभी आपने कहा, छोटी सिस्टर से कहा, अरे एक चम्मच लेकर के आ, और वो ले आई। लो दीदी, तुझे पता नहीं चम्मच किसको कहते हैं? पकड़ में आया आपको? तेरे को नहीं पता कि चम्मच किसको कहते हैं? तू नहीं जानती कि कटोरी किसको कहते हैं? तू नहीं जानती कि गिलास किसको कहते हैं? क्यों? क्योंकि वह उसको वस्तु के भाव का ज्ञान, हम तो क्या होता है कि यहां से हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन हमने याद कर ली और उसको हमने बोल भी दिया और समझा भी दिया, लेकिन उसके भाव का भाषण,
ये तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन कोई ऐसा नहीं है चलते फिरते हो रहा हो। हमने बहुत लाइटली, एक्चुअल में लाइटली भी कहना भी दर्शन में ऐसा लगता है, हमें बहुत सरलता में हम बात कह देते हैं, लेकिन वो बहुत गंभीर है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? अरे कमाल हो गया। तुमने कटोरी देखी है, चम्मच देखी है, अच्छा गिलास देखा है, सब में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? सभी स्टील के हैं। आकार माने क्या कहेंगे? उसका भाव, भाव क्या है, भाव क्या है, भाव क्या है, उसमें भाव क्या है, उसका भाव, भाव भाव से ही तो पकड़ोगे आप, भाव समझ गए ना। देखो चलती भाषा में तो भाई चम्मच का ऐसा आकार होता है, कटोरी छोटे साइज की होती है, कटोरा बड़े साइज का होता है, थाली ऐसी होती है, लेकिन सबके भाव न्यारे न्यारे हैं ना। तभी तो आप बोले कि तू थाली लिया, कि तू चम्मच लिया। पॉइंट समझ में आया? ऐसे यहाँ पर टोडर मल्टी साहब कहते हैं कि देखो ये रखे हैं एक टोकरी में एप्पल, और इसमें रखे हैं बनाना, और इसमें रखे हैं ऑरेंज, और भांति भांति के एक ही टोकरी में फल रखे हुए हैं। अब आपने कहा एक ऑरेंज ले आना, तो अब वो क्या करा, उस बालिका ने क्या करा? उसको पता नहीं ना ऑरेंज क्या होता है, उसको पता नहीं एप्पल क्या होता है, उसे नहीं पता। वो एप्पल उठा करके लाई, उनने के ले कि ये क्या है, क्या नहीं पता उसको, भाव नहीं पता। इसको क्या कहते हैं? ऐसे इतनी गहराइयां हैं, इतनी सूक्ष्मताएं हैं इसके अंदर। पॉइंट समझ में आया? देखिए हम पूरा करते हैं यहाँ पर अपन विषय को। देखो जो श्रद्धा, देखो शब्द, देखो इसमें, देखो बिटिया लोगों, आप यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ देखो, यहां से सारा खजाना निकलेगा। जो जो श्रद्धान करने योग्य है, कौन अर्थ, उसका जो भाव, उसका पर्टिकुलर, उसका ही वो भाव है। ऑरेंज ऑरेंज का ही भाव है, एप्पल एप्पल का भाव है। इसको एप्पल क्यों कहते हैं, इसको ऑरेंज क्यों कहते हैं, इसको ऑरेंज क्यों नहीं कहते, इसको एप्पल क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसमें एप्पल भाव है, उसमें ऑरेंज भाव है, उसमें बनाना भाव है। उस पर से हमने कहा कि ये बनाना है, ये ऑरेंज है, ये एप्पल है। ऐसे ही ये सात तत्व यहां रखे हुए हैं। अब हम कहेंगे ये जीव तत्व है, भाई साहब ये जीव तत्व है, बोलेंगे कहां से? ये जीव अर्थ है, ऐसा नहीं बोलने की पद्धति है। बोलने की पद्धति कैसे है बोलो? ये जीव तत्व है, ये अजीव तत्व है, ये आश्रव तत्व है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है, ये एप्पल है। मुझे बाकी के इंग्लिश आता भी नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा। समझ में आया? ए आदि साहब को समझ में आया भैया? समझ में आ गया है? हाँ हाँ भाई, ये बताओ कि ये कुर्ता क्यों है और ये कुर्ता क्यों नहीं है? तुम बताओ, इनाम मिलेगा आज आपको, देख लो, अभी तक किसी को ही नहीं मिला है। ये कुर्ता क्यों है और ये कुर्ता क्यों नहीं है? अच्छा ये पजामा क्यों है और ये कुर्ता क्यों नहीं है? दोनों के भाव न्यारे न्यारे हैं, जबकि दोनों एक ही मेटीरियल के। पॉइंट पकड़ में आया? भाव से पकड़ा जाएगा ये कौन सा भाव है। ये ओ यहां बात चलती है, इतनी सूक्ष्मताएं हैं। भेद ज्ञान की कला बहुत अंतरदृष्टि होने पर होती है। आया ख्याल में? आ गया आपको? बस पूरा वांछन करते हैं सिर्फ इसका। अब अतत्व शब्द आया था ना, अतत्व, तो देखो अतत्व की परिभाषा। हेलो, पीछे अपन बिटिया ने कहा ना, तत्व साथ होते हैं और अतत्व। सुनो, देखो लिखो, यहां से लिखो, अच्छा कोई बात नहीं। देखो कोई किसी प्रकार की बात नहीं होती है, मैं आपको बताता हूं। गई पर्याय गई, आई पर्याय में भी यद्यपि कुछ नहीं किया जाता है, तथापि सावधानी तो बरती जाती है। बराबर ख्याल आ गया?
इसलिए कभी वेक बेक में जाकर के खेत खिन्न मत होना, आगे बढ़कर के प्रसन्न होना। ख्याल में आ जाता है? देखो क्या कहते हैं, तत्व नहीं उसका नाम, अब तत्व नहीं उसका नाम अतत्व, बराबर है। तो तत्व की परिभाषा अब कौन बताएगा, इसी के अंदर लिखी हुई है, इसमें लिखी हुई है, अभी हमने पढ़ी है, नकल करके बताने की पूरी छूट है, पूरी छूट है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मैं समझ गया, आप सब बता सकते हो, सब बता सकते हो। थर्ड बेंच पर ओ बिटिया, हाँ शाबाश, बोलो, तो आपके बगल में, हाँ हाँ हाँ, बताओ इसमें से देख करके पूछो, बता सकती हो तो कोई बात, नहीं बता सकती तो भी कोई बात। अच्छा कहाँ लिखा हुआ है तत्व, तत्व कुछ लिखा है, कहीं लिखा है बेटा? अच्छा बताओ आप, पढ़ करके सुनाओ ना, नहीं तो मेरे को ऐसा, किसका नाम तत्व है? तदभाव, वो तत्व है, बराबर आ गया। हमको कैसे कैसे करना, नोट, जैसे नोट्स बनाते हैं ना, अपन नोट्स बनाते हैं, तो तत्व की डेफिनेशन क्या निकली? तदभाव, संस्कृत तस्य भावम, बराबर है। अब अतत्व की परिभाषा आप ही बताओ बेटा जी, बताओ अतत्व की परिभाषा। अब तत्व नहीं में क्या पकड़ना, जो उसका भाव तो है नहीं और वो भाव हम मान रहे हैं, इसका नाम क्या हो गया? अतत्व। शाबाश, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सरल पढ़ा बंटी भाई, आपको पकड़ में आया? अब आप बता दो, सोई विराम ले लेते हैं, तत्व की परिभाषा बता दो आप, यहां यहां पढ़ करके बताओ। तदभाव, ये देखो यहां देखो, तदभाव, तद माने उसका भाव, बराबर है, जैसे संतरे का भाव, कटोरी का भाव, बराबर, ख्याल में आ गया आपको? ऐसे ही ये आश्रव तत्व है, क्यों? क्योंकि इसमें ये भाव पाया जाए, इसलिए ये आश्रव तत्व है। ये संबर तत्व है, क्यों ये संबर तत्व भाई साहब? क्योंकि इसमें ये भाव, ये मोक्ष तत्व क्यों है? एक बाजू ये संबर तत्व है, एक बाजू ये मोक्ष तत्व है, तो ये मोक्ष तत्व क्यों है और ये मोक्ष तत्व क्यों नहीं है, और ये संबर तत्व क्यों है, ये संबर तत्व क्यों है, ये मोक्ष तत्व क्यों नहीं है, ये संबर तत्व क्यों नहीं है, ये मोक्ष तत्व क्यों है, कितने प्रकार का जितनी भी बन सकती है, उतना इस उपयोग को चलाने से ज्ञान में विषय संबंधी जो स्पष्टता बनती है वो मात्र रट करके नहीं बनती, बराबर है। अब कौन बताएगा, ये मोक्ष तत्व है, ये संबर तत्व है, बराबर है। पहला पहला, ये संबर तत्व है, ये मोक्ष तत्व है, ज्यादा कुछ नहीं कथन करना है, सीधा सीधा सा सिंपल, कौन बताएगा आप में से? हाँ बोलो बेटा बिलासवर, देखो हमें आप में से किसी के भी नाम याद नहीं, आप हमारा ऐसा कोई अभिप्राय ना लेना, ठीक है? हाँ क्या आप समझते हैं, इसके लिए ताली बजानी चाहिए? ख्याल आ गया आपको कि भाई ये आश्रव तत्व है, भाई ये बंद तत्व है, तो भाई ये आश्रव तत्व है, ये बंद तत्व है, तो ये बंद तत्व क्यों है, ये आश्रव तत्व क्यों नहीं है, ये आश्रव तत्व है तो ये बंद तत्व क्यों नहीं, ओके समझ में आ गया? इस पर विचार करना कि भाई ये जीव तत्व है, ये अजीव तत्व है, तो ये अजीव तत्व क्यों है, ये जीव तत्व क्यों नहीं है, ये जीव तत्व है तो ये अजीव तत्व क्यों नहीं है, ये जीव तत्व ही क्यों है, ये अजीव तत्व, तो इसमें एक शब्द निकल करके आएगा
विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान उसका नाम सच्चा श्रद्धा। ये शब्द आया ना, पढ़ा ना इसमें, विपरीताभिनिवेश रहित। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में अमरचंद्र आचार्य देव ने लिया, नहीं लिया मां से, विपरीत अभिप्राय रहित का श्रद्धान सच्चा श्रद्धान है, वो दृढ़ हो जाता है दृढ़। भाई साहब ये संवर तत्व ही है, ये आश्रव तत्व ही है, ये जीव तत्व ही है। भला कदाचित सूरज पश्चिम में से उगे तो भी मेरा तत्व के प्रति जो श्रद्धान है वो बदलने वाला नहीं है, ऐसा ये श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहने में आए। ख्याल में आया, विषय बहुत है इसके अंदर, चौथे अधिकार में विषय बहुत है, बहुत विषय, इतना विषय है कि वो थोड़ा समय ज्यादा लेता है।